हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रुति लाठी चैनल। मैं हूँ श्रुति और ये है नमन। आज हम खेलने जा रहे हैं रीडल और देखते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड। नमन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नमन? नमन तो पता नहीं अलग ही मूड में है। मैं अक्षय कुमार। अच्छा अच्छा, अक्षय कुमार की एक्टिंग कर रहा है ये तो। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी, हम देखते हैं। हो गया भाई, हो गया अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार कहाँ से आ गया तेरे अंदर? तो लेट्स सी, अक्षय कुमार तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ओके, अक्षय कुमार इज योर फेवरेट कैरेक्टर। ही इज अ एक्टर एंड अ गुड कैरेक्टर। और लेट्स प्ले रिडल। ओके, द फर्स्ट रिडल इज, तो सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। रात के प्रभाव में पानी चल रही थी, दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पानी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूछा कि पूजा पूजा उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कभी आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। म्यूट पास में ही था। ये सब करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के म्यूट कुछ से ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। तो बोल पहले, क्या समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है कि जो ये वाला बंदा है, इसने सेम कपड़े, थोड़े मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं इसके, तो फिर इसने करा होगा। अरे मुझे तो ये समझ आ रहा है कि लड़की के पास बहुत सारा वो जूस गिरा हुआ है। और ओ, मुझे पता चल गया। हाँ। मुझे पता चल गया कि पता क्या हुआ, उसके ना गलती से ग्लास गिर गया उसके पैर में, फिर उसके पैर में लग गई होगी। नहीं नहीं, इसमें रिडल में ज़्यादातर मर्डर ही होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लड़की ने वो जूस पहले पिया और वो बेहोश हो गई, उसके हाथ से गिलास गिरा। देन कोई उस जूस में देख, पैर के निशान भी हैं। पैर के निशान है, कोई आया और उसने उसको मार के चला गया। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो लड़की ने जूस पिया, आई थिंक वो जूस के अंदर कुछ था, तो वो लड़की गिर गई, बेहोश हो गई। देन कोई आया, क्योंकि जूस में पैरों के निशान भी है। मम्मी मुझे पता चल गया किसने मर्डर किया, क्योंकि देखो इन सबके हाथ सीधे हैं, तो फिर इसका हाथ पीछे क्यों है? क्योंकि इसके पीछे हाथ में ये चाकू होगा। ऐसे तो यार इस लड़के के भी हाथ पीछे है। मैं याद आता हूं रूम में क्या था। मैंने सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है मैं किचन के अंदर आया और फिर बाहर गए। अब जी और सोचिए आपको क्या-क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। तो नमन का कहना था कि उस लेडीज ने अपना हाथ नहीं, पर उसका हाथ तो अब आ गया। आगे आगे तो देखते हैं कि अब उसके हाथ में कुछ है, कि उसके हाथ में गिलास है। गिलास है तो अब देखते हैं कि उसमें क्या आता है। मुझे लगता है कि अंदर आए और फिर बाहर गए और ये सारे लोग कुछ नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। दूसरा ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है। लग किसी से हुआ है, राइट वाला डोर खुला है और वापस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। म्यूट सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चली गई थी। नेहा कहती है हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की ग्लास देखी और सबको बुलाया। कमीर कहता है मैं टेबल पे अपना ग्लास करके वॉश गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा के अंदर आया। मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि ये लड़का है 100%, क्योंकि ये बिल्कुल पास में था, इसको मतलब पूजा की आवाज आई भी नहीं, मतलब चिल्लाने की। और दरवाजा खुला था, क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था? क्या उसने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑरेंज जैकेट वाला 100%, मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज जैकेट वाला सही कह रहे हो। कि पता क्या, क्योंकि ये वो बाथरूम गया था और सारे लोग अपने काम पे थे, तो फिर वो तो बाथरूम में था, तो फिर वो जल्दी आकर उसका मर्डर कर दिया। हाँ, और उसको बताओ उस लड़की की चीखने की आवाज भी नहीं आई। चलो हम ऐसा करते हैं, अपने आप देखते हैं कि इसमें क्या आता है। नहीं, उसने खून नहीं किया था, उनकी खून जूस ग्लास से हुआ है
और आस पास में टूटा हुआ गिलास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट के निशान उसके ऊपर आने और जाने के दोनों है, मतलब गिलास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था जो बाहर से आया वो सिर्फ बाद आया। मेरे फुटप्रिंट को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है, वहां से तीन लोग दिख रहे हैं। लॉजिकल एनालिसिस अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो रात के घर में गया था। हाँ ये जो बीच में है ग्रीन टी शर्ट वाला, क्योंकि उसने उसके अच्छा वो नंगे पैर है, नंगे वो नंगे पैर है, वो शायद उसके जूते फट गए हों कांच की वजह से या कट गए हों। तो नहीं क्योंकि देखो अब देखो फुटप्रिंट्स तो एक नंगे पैर से जाता है ना। हाँ हाँ तो फिर यही होगा, मैं सबसे पहले बोला तो मेरा एक पर जूते का है। और तो वहाँ पे छत पे तीन लोग खड़े थे, एक लड़की एक लड़का और एक और आदमी जिसने शूज पहने हुए थे, बीच वाले ने तो शूज पहने हुए नहीं हुए थे। तो फुटप्रिंट्स तो किसी शूज के हैं, तो 100% जो छत पे जो तीन लोग थे उसमें से जिसने शूज पहने हुए थे 100% वो ही है। ब्लू जैकेट वाला है इसमें भी ऑब्वियसली कोई ऐसा ही है जिसने शूज ही पहने हुए है ना नमन। डिटेक्टिव के तो यहाँ पे आया था, डिटेक्टिव के वो डिटेक्टिव के नहीं है, वो पहले से ही है जो मर्डरर है। पता क्या कि जो तो जो किलर के शूज है वो इसके हैं और जो जो जिसके हाथ में फोन था वो उसके हैं। देखते हैं आने और जाने के फुटस्टेप शुरू हुआ है, मतलब वो नहीं आया, लाइट ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और खून नहीं की। फिर सिमरन कहती है मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो कार में चली गई थी, जब मैं कार में गई तो पार्टी रूम में कभी पूजा और रोहित थे, मैं फिर कार में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहां पर फुटप्रिंट दिखते हैं। क्या आप फुटप्रिंट को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नहीं समझ के नहीं है, ये सिमर के तो है भी नहीं, लेकिन ये फुटप्रिंट्स किलर के चल रहे हैं। फुटप्रिंट्स किलर के है, किलर के तो है, लेकिन सेम है या नहीं है, चलो ऐसा नहीं सेम है, देखो सेम नहीं है ये और टंग सिमरन की पूछ है गार्डन में, बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं, इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, वैसे ये मुझे पास में नहीं आई, नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फुटप्रिंट्स की बात ही क्यों हो रही है। मुझे मैं कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी फुटप्रिंट्स की बात ही क्यों हो रही है, क्योंकि फुटप्रिंट से ही पता चलेगा कि किसने उसको मर्डर करने के लिए बोला था। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। पहले वॉशरूम में गया था, वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। ये मर्डरर ब्लू शर्ट वाला ही मर्डरर लग रहा है यार मेरे को तो। पॉइंट कर देना।
ये वाला तो मेरा पॉइंट कर दो। मैंने बोला तो तूने कहा एक बैट होता है। हां ठीक है, सीधा बैटिंग वाले गार्डन में निकलता है जहां पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरी तरफ का रास्ता ये रूट की तरफ जाता है तो रूट का लेफ्ट दरवाजा है, मतलब वहां से रात आ सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट को देख के मैं समझ जाता है इलाज वहां से नहीं आया है। क्यों मेरे को फुटप्रिंट देख के ऐसा क्यों लगा? ये वाला प्लग है वो हटा हुआ है। हाँ, जो चार प्लग में से एक प्लग ही हटा हुआ है। हाँ। वैसे थोड़ा सा आसान लग रहा है। वो अपने जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो वो अपने एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पानी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक रूस से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डर कौन है। उतने में जिस क्लास से मर्डर हुआ था उसके कमरे से रिपोर्ट किया जाते हैं शॉकिंग, उसके कमरे के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कभी कहता है कि वो क्लास टेबल पे रखे और सब चला गया था। बाकी और क्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं जो ये ऑरेंज टी शर्ट वाला ज्यादा ही शातिर निकले? कुछ ऐसी है, धीरे धीरे सब रूम से निकल गए थे। सिर्फ पूजा रूम में थी, फिर क्लियर रूम में आया और वहां से बाहर निकल कर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट ऑफ कर लिया। सबको लगे कि वो मर्डर लोकेशन पे नहीं थी, लेकिन उससे गलती हो गई। उसका ग्लास बोल रहा है क्या? और वही मेहुल उसे पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो यार बैडास कुछ बोलो, जैसे बताओ तो सही, मुझे कुछ बताना तो दे। पिकाचू हिंदी रैप वो सुना है? सुना तो है लेकिन लिरिक्स याद नहीं है। अरे यार एक काम करो, बीट बॉक्सिंग आती है बताना ना, मुझसे थोड़ा बोल दो सही, शायद मुझे याद आ जाए। किसी से नहीं पिकाचू डरता है। हां चल मैं बोलती हूं पूरा नहीं देखना, मुझे आता है ठीक है। किसी से नहीं पिकाचू डरता है, लाइनिंग की पावर से डरता है। किसी से नहीं पिकाचू डरता है, लैंडिंग की नई पावर से डरता है। अरे गाने ही बोलो यार, कोई बैलेंस गाना मत बोलो। आप रैप लाएंगे नहीं? मैं गाना गा लेती हूँ कोई वाला, कौन सा गाना यार, नमो नमः शंकरा वाला। नमो नमो हे शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, ना 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 श्रीनाथ शंकरा। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम आप बीट बॉक्सिंग मत करना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। किसी से नहीं पिकाचू डरता है, लाइनिंग की पावर से लड़ता है, आसमान से निकलता है डम बॉय, गिर के भी ये पिकाचू उड़ता है। एक छोटे से पीछे में जंगल में खोया था मैं, था खंगे से गान, फिर वो अपने बच्चों के साथ, फिर वो मिला अपने बच्चों के साथ। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम नमन और प्रिपेयर होके आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक ही है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या नेक्स्ट वीडियो देखनी है, और हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। खैर ऐसे रुको, यप यप, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।